हेलो स्टूडेंट, आज उर्मिला देवी में BCA सेकेंड सेमेस्टर की डेटा स्ट्रक्चर की ये चौथी क्लास है, जिसमें हम एरे बढ़ा रहे हैं, वन डायमेंशनल एरे। ऑलरेडी हमने वन डायमेंशनल को टू मेथड से पढ़ाया है, जिसे क्या कहते हैं आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम आज यूजर डिफाइन के अकॉर्डिंग इसका डिक्लेरेशन और एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको समझाते हैं। ऑलरेडी इसकी डिफिनीशन के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, ठीक, इनिशियलाइजेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता रखा है। अब ध्यान देना है कि हम इसको यूजर डिफाइन तरीके से कैसे करेंगे यूज अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में यहाँ पे दे दिया। तो अब यहाँ पे सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो तरीका ये होता है यूजर डिफाइन के अकॉर्डिंग। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू स्टैटिक देते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी प्रोग्राम में ही डिफाइन कर देते हैं लिखते वक्त, तो हमें रन टाइम में वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से अभी हमने एरे का भी डिक्लेरेशन बताया और दिखाया है। अब यहाँ पे बताना क्या है कि जब हम प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट कराएं, तो रन टाइम में हम अपना रन टाइम में यूजर वैल्यू इनपुट कर सके। इस तरह से अगर हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम डिक्लेयर्ड करते हैं तो उसके पहले हम हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल फर्स्ट stdio.h को मेंशन किया, उसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड conio.h हेडर फाइल मेंशन किया। ऑलरेडी हमने इसके पहले भी ये बात बता रखा है हेडर फाइल के बारे में, कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें हेडर फाइल मेंशन करना मस्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें जो ये हेडर्स फाइल होती हैं, ये लाइब्रेरी फाइल होती हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन को अपने अंदर कलेक्ट किए हुए होती हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे हम हेडर फाइल को मेंशन नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कलेक्ट फंक्शन को यूज यहाँ नहीं कर सकते। अगर हम उन फंक्शन का उपयोग करते हैं तो वो एरर्स देगा, प्रोटोटाइप्स एरर्स, ठीक है, या ये भी एरर दे सकता है, दिस फंक्शन इज नॉट फाइंड, दिस प्रोटोटाइप इज नॉट डिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ करके एरर्स दे सकते हैं। तो उन एरर्स से बचने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल मेंशन करना मस्ट होता है। हाँ, ध्यान देंगे कि कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम हेडर फाइल मेंशन नहीं करते, फिर भी उन फंक्शन को हम यूज करते हैं और फंक्शन हमारा रेगुलरली वर्क करता है। तो ऐसा तब होता है जब हम क्या कहते हैं उसको बेसिक सी पर उसका प्रोग्राम बनाते हैं, और बेसिक सी के अलावा जैसे टर्बो सी, विजुअल सी प्लस प्लस, ऐसे एप्लीकेशंस का यूज करके जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमें हेडर फाइल देना मस्ट होता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ हम यहाँ पे मेन फंक्शन को डिक्लेयर्ड करते हैं। मेन ये एक फंक्शन होता है, जो फंक्शन किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग को ये इंडिकेट करता है। विदाउट मेन हम किसी भी प्रोग्राम को ना तो एग्जीक्यूट करा सकते हैं और ना ही कंपाइल करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे आप कि मेन के साथ में हमने वाइड यूज किया है। ये वाइड क्या होता है, वाइड एक डेटा टाइप होता है जो नल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मेन के साथ हम किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, इसीलिए इसमें वाइड यूज किए। ऐसा भी आप सोचते होंगे कि अगर हम फंक्शन बनाए हैं तो इसमें वाइड है, तो वाइड अगर हम ना लगाएं, अगर कोई हमें नल टाइप की वैल्यू ही नहीं रिटर्न करानी है, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न हो रही है,
वायर ना लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना मस्ट होता है। बगैर डेटा टाइप के ना तो हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही कोई फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये बताने का मतलब है कि इसमें नल टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी ही होनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे मेन को दिया, मेन के डिफिनीशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आता है, हमने एक लिया आईएनटी लिया, आईएनटी एक वेरिएबल हमने लिया यहाँ पे एरे, एक हमने वेरिएबल एरे वन से लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक सब स्क्रिप्ट लिया और इसमें हम 5 एलिमेंट्स इनपुट करने के लिए ये इस तरह से हमने दे दिया। अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम ये चाहते हैं इसमें यूजर इनपुट हो। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम आगे हम एग्जीक्यूट कराएं तो रन टाइम में यूजर से ये प्रोग्राम एक एक नंबर का इनपुट मांगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये दे दिया CLR SCR का यूज करिए आप, CLR या CR। CLR SCR का मतलब ये होता है क्लियर स्क्रीन। कहने का मतलब अगर हमारे जो भी प्रोग्राम आगे स्टेटमेंट ऑफ लाइन्स एग्जीक्यूट कराएंगे उससे पहले अगर कुछ भी आउटपुट है तो स्क्रीन को क्लियर कर देगा CLR SCR फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज किया printf। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को इनपुट करने के लिए हमने printf फंक्शन का यूज किया और printf फंक्शन के साथ हमने एक मैसेज दिया इंटर द फर्स्ट नंबर इन एरे। मतलब ये कि एरे में हम पहला नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे एग्जीक्यूट होगा पहला नंबर के लिए तुरंत यहाँ पे, फिर उसके बाद इनपुट फंक्शन यूज किया हमने scanf। scanf यहाँ पे इंटीजर टाइप फॉर्मेट करेक्टर %d का यूज किया एंड % के साथ हमने एरे ऑफ 0 यहाँ पे डिक्लेयर किया। 0 यहाँ पे क्या कर रहा है, एरे के इंडेक्स को बता रहा है। एरे को इंडेक्स बताने का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के लिए, printf इंटर द सेकेंड नंबर इन एरे एंड इनपुट फंक्शन scanf %sin(t) एंड % एरे एरे वन इंडेक्स ऑफ वन देन, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम वही मैसेज हमने थोड़ा सा चेंजेस किया, सेकेंड नंबर को इनपुट करने के लिए एरे में सिर्फ यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया और यहाँ पे हमने फॉर्मेट करेक्टर डी यूज किया और एरे वन के साथ हमने यहाँ पे इंडेक्स को चेंज किया। ये 0 इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड करेगा और ये सेकेंड एलिमेंट को। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट printf का यूज करते हैं, printf इंटर द
थर्ड नंबर एर ठीक है। यहाँ पे हमने तीसरे एलिमेंट को इनपुट करने के लिए मैसेज दिया इंटर द थर्ड नंबर इन एरे एंड इनपुट फंक्शन स्कैन ऑफ परसेंट साइन डी फॉर्मेट करेक्टर एंड परसेंट साइन के साथ एरे वन में हमने टू इंडेक्स पास किया। ठीक है, आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं प्रिंट एफ enter the fourth number in array. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए हमने एरे की साइज 5 डिक्लेयर किया है और सेपरेटेड इंडेक्स के यूज करते हुए एक एक एलिमेंट को हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटर द फर्स्ट नंबर इन एरे, एरे ऑफ वन में जीरो इंडेक्स पे पहली वैल्यू इनपुट किया। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंट ऑफ में इंटर द सेकेंड नंबर इन एरे मैसेज आएगा, देन एरे में फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स पे, तो ये दूसरा एलिमेंट इनपुट होगा। इसी तरह यहाँ पे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये काउंट करेंगे आप। तो इन लाइन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग भी अगर चेक करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स को हम इनपुट कर रहे हैं। इस तरह से भी हम एरे में प्रोग्राम बना सकते हैं और वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को इनपुट किया है। ये प्रोग्राम सिर्फ वैल्यू को हमसे ले रहा है। अब हमें क्या चाहिए, जैसे ही हम प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट कर चुके वैसे इनपुट के प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें जितने भी नंबर इसमें इनपुट दिए उन सारे नंबर को एज आउटपुट नीचे प्रिंट कर दे स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे सेपरेटेड इंडेक्स में हम वैल्यू इनपुट किए हैं उस सारे एरे ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू को वन बाय वन हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज आउटपुट के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आउटपुट के लिए। ठीक है, ये हमने कमेंट दिया है यहाँ पे और कमेंट के साथ ही आगे हम प्रोसेस करते हैं आउटपुट के लिए। यहाँ पे हमने दिया प्रिंट एफ, ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्लैश एन का यूज किया ताकि हमारा जो मैसेज है जो वैल्यू हो उसे न्यू लाइन से प्रिंट करे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने दे दिया मैसेज एफ आई आर एस टी,
फर्स्ट नंबर इक्वल परसेंट्स ऑफ डी लेस देन एंड अरे ऑफ वन इंडेक्स जीरो एंड सो देन सेकेंड प्रिंट लेसियन सेकेंड और यहाँ पे अरे ऑफ इंडेक्स वन एंड ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने ये फर्स्ट प्रिंट ऑफ से लेके यहाँ तक हमने वैल्यू को इनपुट किया, ये एक एक लाइन ऑफ मैसेज हमारे सामने आते जाएंगे और इनमें हम वैल्यू को इनपुट करते जाएंगे, एक एक नंबर की वैल्यू को इनपुट इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये रिसीव करता जाएगा और बाद में इसके बाद ये हमने आउटपुट के लिए लाइंस लिखे हैं, फाइव लाइंस हैं प्रिंट फंक्शन की, जिसमें हमने ये मैसेज दिया है फर्स्ट नंबर ऑफ एरे, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमने एरे एक ही डिफाइन किया, उसी एरे को हमने पांच तरीके से यहाँ पे लिखा है और वो भी सिर्फ डिफरेंस है इसके इंडेक्स के, इसके इंडेक्स से इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इतने ये तो कॉन्सेप्ट हो गए प्रोग्राम लिखने के, ये तो हमारे चीज़ें सामने हैं जो कि आपको समझ में आ सकती हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये समझना है कि इसका आउटपुट हमें कैसे दिखेगा, आउटपुट हमें मिलेगा क्या, इस चीज़ को आपको समझना होगा। हम आउटपुट थोड़ा इधर से व्यू कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रोग्राम को जब भी हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो तुरंत ही हमारे सामने इनपुट फंक्शन की तरह ये चलेगा और क्या होगा यहाँ पे उस बात को देखते हैं। आउटपुट हमें जो भी मिलेगा यहाँ पे ये सीधे यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट लाइन जब चलेगा तो ये देगा फर्स्ट नंबर ऑफ एरे, इस लाइन को इस मैसेज को यहाँ प्रिंट करेगा, ये डैश डैश हमने जो यहाँ पे दिया ये यही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे एफ आई आर एस टी फर्स्ट नंबर, ठीक है, जैसा लिखेंगे वैसा यहाँ पे हमें व्यू मिलेगा। इसी के साथ आगे देखते हैं एरे ऑफ इंडेक्स, ऑलरेडी हम यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट कोई ना कोई कर ही चुके होंगे जो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम 10 इनपुट किया, जैसे यहाँ पे 10 इनपुट करते हैं तो फॉर्मेट करेक्टर डी है, इसके बाद स्लैश एन है, फॉर्मेट करेक्टर डी जहाँ भी लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये एरे वन को ट्रीट करेगा, मतलब दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को वहीं पे प्रिंट करेगा। तो एरे वन हमने यहाँ पे दे रखा है
और यही वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे प्रिंट करेगा जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ दे रखा है। फर्स्ट नंबर परसेंट साइन डी की जगह 10 को हमने प्रिंट करा दिया और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट करेक्टर स्लैश एन हमने लगाया। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जैसे ही हमारा कर्सर 10 के आगे यहाँ पहुँचता है तो इसको मिलता है न्यू लाइन और ये न्यू लाइन उसको नई लाइन पे ला देगा और ये दूसरी वैल्यू के लिए प्रोसेस कर जाएगा कर्सर हमारा यहाँ से और दूसरा प्रिंट ऑफ इसे मिलेगा फिर से ये स्लैश साइन एक और यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा लेकिन हम एक ही रखते हैं। बाकी आप सिस्टम में जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर सेकेंड लाइन जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा क्या मिलेगा इससे मैसेज सेकेंड नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड नम, ठीक है। सेकेंड नम मतलब सेकेंड नंबर को ये प्रिंट करेगा। सेकेंड नंबर हमने मान लीजिए कितना पुट कर दिया है 20 आया, सेम उसी तरह ये आगे ट्रीट करेगा। स्लैश एन मिला फिर से यहाँ से कर्सर हमारा रोटेट करके न्यू लाइन पे आ जाएगा और ये तीसरा प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तीसरे प्रोसेस में हमने क्या मैसेज दे रखा है थर्ड नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में अगर मान लीजिए हमने 30 दिया है तो 30 को प्रिंट कर देगा, फिर से वही चीज़ें यहाँ पे न्यू लाइन आएगा फिर यहाँ से न्यू लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा यहाँ पे। तो ये फोर्थ आ गया FURTH फोर्थ नंबर इज इक्वल टू हमने दे दिया 40 एंड इसी की तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे इनपुट किया। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट दिखेगा और एक चीज़ कॉमनली आपको ये देखिएगा कि इसमें पूरे 5 एलिमेंट्स हमने यूज किया है और इंडेक्स हमारा जो है 0, 1, 2, 3, 4 तक है। अगर 0 को भी लेके आप काम करते हैं तो 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये एरे के डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे। ऑलरेडी हमने पहले भी बताया है कि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं तो एरे को डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करते हैं। इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, इसे 1, 2, 3 कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज किया है तो उसे 0 से शुरू करेंगे तभी हम उस वैल्यू को फेच कर पाएंगे। अगर हम उसे 0 से न स्टार्ट करेंगे किसी और इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं या आगे से इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं 2-3 से, तो उसके पहले की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। इस तरह से हम यूजर वे में क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, इनपुट करेंगे वैल्यू को एरे में और इस तरह से आउटपुट में इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज़ और इसमें समस्या है, समस्या इसमें एरे में एक और क्या है कि देखिए हमें यहाँ पे 5 ही एलिमेंट को इनपुट करना है और हर एक एलिमेंट के लिए हमें हर बार एक प्रिंटअप फंक्शन और एक स्कैनअप फंक्शन का यूज करना पड़ा। अब ऐसा कुछ टेक्निक नहीं हो सकता कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस 10 लाइंस का हम यूज कर रहे हैं ऐसा कुछ करें कि ये शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट होने से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि हम एक ही वेरिएबल को मल्टी टाइम ये क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, मतलब राइट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जितनी जिस चीज़ को यानी जिस वेरिएबल फंक्शन मैसेज को हम बार बार लिखते हैं या बार बार मेंशन करते हैं तो गलतियाँ भी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और एक अच्छे प्रोग्रामर की यही निशानी होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम को कोशिश हुई होनी चाहिए कि कम से कम और शॉर्ट प्रोग्राम होना चाहिए और कम से कम नंबर ऑफ लाइंस में अगर प्रोग्राम लिखता है तो उतना ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें हमारा क्या कहते हैं मेमोरी में एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी और उसके बाद एरर, इन सब से हमें बचत मिलती है, हमें बेनिफिट्स होते हैं। तो इस प्रोग्राम को इस तरह से आपको समझ में आया कैजुअली, क्योंकि कहीं ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ती है इस तरह से इंडिविजुअली सेपरेटेड इंडेक्स को डिफाइन करने की और कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि चाहे 100 नंबर ऑफ एक ही एरे में हम स्टोर करते हैं या होल्ड करते हैं
लेकिन हमें आवश्यकता क्या होती है कि दो ही लाइन में उसका कुछ किया जाए, काम हो जाए। तो इसके लिए इस तरह के फंक्शन, इस तरह की समस्या से बचने के लिए हम इन में एरे को लूप के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके बाद लूप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, आप लूप जानते हैं क्या होता है? लूप, लूप क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने बेसिक सी लैंग्वेज में ओनली पढ़ा होगा लूप। लूप हमारे तीन प्रकार के मेनली होते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हीं लूप्स का यूज करके इस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो हम इसको अरेंज करते हैं और लूप की बात करते हैं। जैसे ही लूप में आते हैं, आपको एक छोटी डिफिनेशन भी हम लूप की यही दे रहे हैं। लूप का मतलब होता है जो हमारे किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करे, यानी इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड लूप। ये तीन प्रकार का होता है जो हमने अभी बताया। एक फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है। इनके अपने अपने तरीके से कार्य करने के तरीके हैं, मेथड हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही तरह से कार्य करते हैं। अब हमें ये समझना है कि हमें उनको अपने इस प्रोग्राम में किस तरह से यूज करना है। तो हमें यही चीज़ समझनी है, हम उसी को इनिशियलाइज करते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, सो लुक हियर, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि हम एरे में इस तरह से डिक्लेरेशन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर से बचने के लिए, या मल्टीपल लाइन में डिक्लेयर करने से बचने के लिए हम लूप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लूप का यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लूप को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, जैसे आई, जे, के, ए, बी, सी, डी, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, ऑलरेडी हमने पहले ही बता रखा है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, अपने प्रोग्राम में हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने वेरिएबल के नेम जो हैं जितने ही शॉर्ट रखेंगे उतना ही अच्छा हमारे प्रोग्राम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जितना शॉर्ट होगा उतने ही मल्टीपल टाइम उसका यूज करके हम एरर से बच सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, INT टाइप का ही लेते हैं, यहाँ पे एक I लेते हैं। ठीक है, एक हमने I लिया। अब इसी के I के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे और उसी लूप के अकॉर्डिंग हम मल्टी टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू इनपुट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 15 से 20 लाइन का प्रोग्राम था वो कैसे 7 से 8 लाइन में एक प्रोग्राम बन जाएगा। ये बेनिफिट्स होता है इन सब मेथड्स का यूज करने से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम लूप ही चलाते हैं और लूप के अंदर ही हम मैसेज पास करते हैं, ताकि जितनी बार लूप चले उतनी बार हर एक नई वैल्यू को इनपुट करने के लिए ये हमें क्या करता रहे, इंडिकेट करता रहे, बताता रहे, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने एक लूप लिया, यहाँ पे हमने ले लिया फॉर। अब यहाँ पे हमने अभी आपको तीन लूप बताया, फॉर लूप बताया, व्हाइल लूप बताया और डू व्हाइल लूप बताया। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके हम इसको बताते हैं, उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके यूजे जाएंगे, तीनों प्रकार के लूप आपको इसमें हम यूज बता देंगे। ठीक है, और उन तीनों लूप की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आसान हमारा फॉर लूप ही होता है, जो कि क्या कहते हैं, इसमें 3 आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन स्टेट में I की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। I इज इक्वल टू हमने 0 इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, हम कंडीशन देते हैं I इज लेस देन 5। ओके, देन I प्लस प्लस, ये लूप की कंडीशन। लूप में हमने ये जो लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है,
ये पहला स्टेप जो होता है ये आर्गुमेंट का फॉर्म है, ये इनिशियलाइजेशन स्टेट है। और दूसरा जो है यहाँ पे कंडीशनल होता है, एक्सप्रेशन में कंडीशन दिया जाता है इसमें। एंड थर्ड इज होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये सेमी कॉलन इन आर्गुमेंट को सेपरेट करते हैं और इनको एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। इतना देने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस देने का मतलब ये होता है कि अब हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब फॉर लूप को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर के अंदर एक हम स्टेटमेंट पास करेंगे, जिस स्टेटमेंट को लूप बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर। अब यहाँ पे हमने नंबर तो दिया, अब कौन सा नंबर होना है, नंबर 1, 2, 3 ऐसा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे करते क्या है, एक आओ वेरिएबल, ताकि हमें इनपुट टाइम पता चले कि हम कौन सा नंबर इनपुट कर। हमने आई दिया, आई के साथ हमने यहाँ पे ले लिया जे, ठीक है, जे ले लिया। अब यहाँ पे जे लेने के बाद हम करते क्या है कि यहाँ पर ही हम जे की वैल्यू एक इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, जे इज इक्वल टू हमने 1 दे दिया। और यहाँ पे हम आगे परसेंट साइन डी का यहाँ यूज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं और ये कोटेशन बंद किया हमने। कोटेशन बंद करने के बाद यहाँ हम जे को देंगे, यहाँ पे हम जे क्या दे देंगे, यहाँ पे जे प्लस आई, ठीक है, जे प्लस आई। अब यहाँ पे होगा क्या, अभी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाते हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, बस ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। प्रिंट ऑफ देने के बाद हम यहाँ पे करते हैं स्कैन ऑफ, स्कैन ऑफ ये परसेंट साइन डी, ठीक है, परसेंट साइन डी और अंधा एन परसेंट, हमने एरे 1 ले लिया है यहाँ पे, और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आई को पास कर देना है, ठीक है। और ये हमारा लूप क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ही हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमें ना प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज करना है और ना ही स्कैन ऑफ फंक्शन यूज करना है। अब देखिए अभी हमने इन्हीं 5 नंबर्स को यहाँ पे इनपुट करने के लिए पिछले प्रोग्राम में 10 लाइंस लिखना पड़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी प्रोग्राम के नीचे सिर्फ 2 लाइन लिखना पड़ रहा है, तो देखा जाए तो हमारे प्रोग्राम 5 गुना शॉर्ट हो गया, ठीक है। जहाँ पे हमें 10 लाइन लिखनी थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही लाइंस लिखनी पड़ी। अब इसमें मल्टीपल जो एरर्स आते थे उन एरर्स से हम बच जाएंगे, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या प्रोसेसर को जो मल्टी लाइन को रीड करने के लिए प्रोसेस करना था, वो प्रोसेस भी अब सिर्फ 10% ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको मेमोरी भी कम लेगा एग्जीक्यूशन टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इनपुट फंक्शन के लिए। अब यहीं पे इसी लूप का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका, इसको हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो आउटपुट के लिए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, आउटपुट फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे कमेंट दिया आउटपुट, देन उसके बाद हम फिर से यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप, I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हमने यूज किया प्रिंट ऑफ
अब यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं तो स्लैश एन का यूज करते हैं, और फर्स्ट नंबर करके अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन आईडी, ऑलरेडी वो नंबर ही आएंगे तो हम यहाँ पे दे सकते हैं पर्सन आईडी, ठीक है, और यहाँ पे नंबर इक्वल टू पर्सन साइन डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ हम कर दे रहे हैं जे प्लस आई कॉमा, हम यहाँ पे एरे पास कर देंगे एरे वन ऑफ आई, ओके गुड। और यहीं पे हम अपने इस लूप को भी क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं और गेट सी एच यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम क्लियर। अब इसके नंबर ऑफ प्रोसेस को, ठीक, हाँ ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, लूप का यूज करके यूजर डिफाइंड वैल्यू का प्रोग्राम एरे के साथ ये बन के कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे करते क्या है कि ये ध्यान दीजिए कि जो ये वैल्यू इनपुट कर रहे हैं कैसे कहीं एक वैल्यू को ये रीड करेगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने तो एक ही वैल्यू दिया है, एक ही स्कैनर यूज किया, अब फाइव नंबर को इनपुट करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जब हम किसी भी प्रोग्राम के साथ लूप का यूज करते हैं तो लूप का काम ही यही होता है कि उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है कि ये कर क्या रहा है कि इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करेगा और नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितने नंबर ऑफ वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इसी लूप के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें बार बार वैल्यू को इनपुट करने में सक्षम होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आउटपुट में इसके अंदर प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग को भी समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे ये लूप कार्य कर रहा है, कैसे ये फाइव टाइम वैल्यू को इनपुट भी लेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एरे में हमने यहाँ पे सॉरी लूप हमने यहाँ डिफाइन किया है, और लूप डिफाइन किया है तो इसमें इनिशियलाइज किया है हमने i इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ही देखते हैं प्रोसेस ऑफ आउटपुट को हम इधर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हम प्रोसेस समझाने के लिए बताते हैं। तो ये हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि ये हमारा नंबर ऑफ लाइन ऑफ प्रोग्राम क्या हो, सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम लूप चला रहे हैं, यहाँ वन लिखने का मतलब ये फर्स्ट टाइम लूप चला, जैसे ही प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, कंपाइल कराते हैं तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे होगा क्या, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, तुरंत जैसे ही लूप चलना शुरू होगा तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है i इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट टाइम लूप जब चलेगा तो पहला यहाँ पे होगा i इज इक्वल टू जीरो रीड करेगा, रीड जैसे ही ये i इज इक्वल टू जीरो करेगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अभी बताया कि एक आर्गुमेंट को ये इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन का यूज किया। ऑलरेडी आपको पता है कि सेमी कॉलन का यूज किस लिए किया जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट भी समझ सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और इस स्टेटमेंट की एंडिंग हमने किससे किया, यहाँ पे सेमी कॉलन की, जैसे ही ये स्टेटमेंट खत्म हुआ तुरंत ये कहाँ आएगा कर्सर, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें क्या है, यहाँ पे कंडीशन है। तो कंडीशन यहाँ पे हमने क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है हमने आई इज लेस देन फाइव। अब यहाँ पे ये कंडीशन कैसे चेक कर रही है, आप ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हमारे पास क्या है i की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे ये इसी तरह चेक करेगा i इक्वल टू जीरो रखेंगे और यहाँ पे लेस देना और ये फाइव। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं इसी से हमें डिसाइड होता है कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे किया जीरो इज लेस देन फाइव, यहाँ पे ये कंडीशन क्या बता रही है कि जीरो की वैल्यू जो है वो फाइव से छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पे छोट क्या है, छोटी है, और छोटी ही इस कंडीशन ऑपरेटर के थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू बताया जा रहा है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे ट्रू हो गई, क्या हो गई ट्रू हो गई, ठीक है।
जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो ध्यान दो ये स्टेटमेंट आगे पहुंचता है तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज क्या करेगा, जीरो। ये क्या है इंक्रीमेंट, इसे इंक्रीमेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या, तो पहले वैल्यू को रिसीव करके प्रोसेस करता है उसके बाद इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट होने से पहले क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम लूप अपने इनर पार्ट में इंटर कर जाएगा। जैसे इनर पार्ट में इंटर करेगा तो पहला इसको स्टेटमेंट मिलेगा प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ मिलेगा और प्रिंट ऑफ के अंदर हमने एक मैसेज दे रखा है इंटर द नंबर। तो यही मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा फर्स्ट टाइम यहाँ पे, इंटर द नंबर। हमने यहाँ पे इंटर द नंबर किया। अब थोड़ा सा और समझने की बारी है, यहाँ पे परसेंट साइन डी दिया है हमने, क्या दिया है परसेंट साइन डी। तो ये परसेंट साइन डी क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब हम एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबर हमने इसलिए ऐसा दिया ताकि ये हमें पता चले कि हम किस नंबर को यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जे प्लस आई हमने दिया, क्या दिया जे प्लस आई। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पे जे को डिफाइन कर रखा है कि जे इज इक्वल टू वन, और आई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आप दे सकते हैं कितना है, जीरो है। तो जो जे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे डिफाइन करा, हमने इसे साइड में दिखा दिया जे इज इक्वल टू जीरो, और इन्हीं दोनों वैल्यू को ऐड करके हमने यहाँ पे क्या दे रखा है परसेंट साइन डी। यहाँ देखिए जे प्लस आई, तो जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे जीरो, और आई की वैल्यू कितनी, सॉरी जे की वैल्यू हमारे पास वन है, आई की वैल्यू जीरो है। तो ये हो गया वन प्लस जीरो, और जे इज इक्वल टू हमें मिल गया कितना वन, और यहाँ पे इंटर द नंबर ये वन प्रिंट करेगा, ये वन ही यहाँ पे परसेंट साइन डी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इक्वल साइन है, ये इक्वल आ गया। इतना इक्वल आते ही अब हमारा कर्सर जो है यहाँ से टर्मिनेट नहीं करेगा, इंटरनल प्रोसेस करेगा और तुरंत न्यू लाइन पे आ जाएगा। उसको मिलेगा स्कैन ऑफ इनपुट फंक्शन, जैसे स्कैन ऑफ मिला इसको रीड करना शुरू किया तो यहाँ पे मिला परसेंट साइन डी, और परसेंट साइन डी मिला मतलब इंटीजर नंबर को ये मांग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एन परसेंट के साइन एरे आई और ये जे मिला। इसके कहने का मतलब यहाँ पे हो गया तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह ट्रीट करेगा एरे ऑफ वन, और यहाँ पे इंडेक्सिंग आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है फर्स्ट टाइम, अभी लूप चला हमारा यहाँ पे देखिए, अभी हम फर्स्ट लूप में हैं और यही लूप ये कंटिन्यू चल रहा है। तो जीरो है, हमने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। अब इसी पर ये क्या कर रहा है, वैल्यू इनपुट मांग रहा है। तो एरे ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कितना मांग रहा है, हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 इनपुट कर दिया, कितना इनपुट कर दिया 10। तो एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे कितनी वैल्यू ये इनपुट हो गई 10। 10 होने के बाद फिर हमारा यहाँ पे आगे बढ़ेगा, देखेगा ये टर्मिनेट हो गया, कुछ भी आगे नहीं है। तो तुरंत ये हमारा क्या कहते हैं कर्सर टर्मिनेट करेगा और ये आई के पास आएगा, आई पे रखी हुई वैल्यू जो थी इसकी जीरो, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इन एक जीरो प्लस वन हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वन मिलेगा। अब ये देखिए कि फर्स्ट लूप जब हमने चलाया था तो आई की वैल्यू कितनी थी जीरो, इस लूप के एंडिंग तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई वन हो गई, ठीक है। अब इसी के कॉन्सेप्ट में ही दूसरी बार फिर चलेगा, जैसे ही आई की वैल्यू वन होगी इनिशियलाइजेशन लूप फिर से दोबारा चलेगा और तुरंत ये कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने आई इज इक्वल टू वन ये दिया है, उसके बाद तुरंत ये कंडीशन इसमें फर्स्ट लूप में चेक कराया, उसी प्रोसेस को ये फिर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जितने नंबर ऑफ डिक्लेरेशन हमने लूप को यहाँ बता रहे हैं, अगर इसको आप अच्छे से देखते हैं समझते हैं समझ जाते हैं तो लूप का कोई भी प्रोग्राम हो कोई भी स्टेटमेंट हो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, अब हो जाएगा ये आई इज लेस देन फाइव। अब कंडीशन देखिए इसकी अपेक्षा दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे जीरो थी फर्स्ट टाइम, लेकिन अब कितनी हो गई वन हो गई। अभी हमने कैसे कंपेयर कराया था जीरो से, अब कैसे कंपेयर कराएंगे वन से।
तो ये हो गया वन इज लेस देन फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वन इज लेस देन फाइव, कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि वन जो है फाइव से छोटा है, और ये कंडीशन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू। और हमने बताया है जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप क्या करेगा, अपने इनर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, तुरंत हमारा ये कर्सर टर्मिनेट होके तुरंत इनर पार्ट में आ जाएगा। इनर पार्ट में जैसे ही इंटर करेगा तुरंत इसे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्रिंट ऑफ, क्या मिला, प्रिंट ऑफ। जैसे हमने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे किया था, तुरंत हमारे सामने मैसेज आ गया इंटर द नंबर वन, ठीक है, वन हुआ। और वन के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। जो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं ये समझाने के लिए, ये वैल्यू यहीं पर पुट की जाएगी टेन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वेरिएबल को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा लिखा, क्योंकि ये सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, सिर्फ हमें दिखेगा क्या यहाँ पे, इंटर द नंबर वन, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तुरंत हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा, इंटर द नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटर द नंबर पर्सन साइन डी, यहाँ पे हमने क्या किया है, जे प्लस आई, जे प्लस आई किया है। तो जे की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी पहले ही हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखी है, कितनी यहाँ पे, वन, कितना है यहाँ पे, वन है, ठीक है। और ये वन, और फिर उसके बाद प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू जो है हमारे पास वन है। यहाँ देखिए हम अलग से कर दे रहे हैं इसको, जे इज इक्वल टू वन, आई की वैल्यू वन है यहाँ पे हमारे पास, और जे इज इक्वल टू हमने किया है, कर सकते हैं आप ऐसा, जे प्लस आई। तो ये क्या हो गया, जे की वैल्यू वन प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी, वन, इन दोनों वैल्यू ऐड होकर कितना हो जाती है हमें यहाँ मिलती है, टू, और यही नंबर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टू। और उसके बाद यहाँ देखिए इक्वल साइन है, अब यहाँ पे ये इक्वल साइन हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब जो भी नंबर इनपुट करेंगे इस स्कैनर फंक्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या होगा, इनपुट होगा। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा यहाँ पे अरे आप वन, अब यहाँ पे क्या होगा आई की वैल्यू, अभी जीरो था यहाँ पे, अब ये आई की वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्या हो गई, वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन। अब ये वन इंडेक्स पे हम वैल्यू 20 इनपुट कर दिए हैं, ठीक है। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं एरे वन ऑफ इंडेक्स वन जीरो, इस तरह आगे भी लिखेंगे, ये सब क्या होते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ प्रोसेस होते हैं, ये हमें दिखते नहीं, ये आपको समझाने के लिए, समझने के लिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करते हैं और फिर ये स्टेटमेंट एंड होता है, आगे बढ़ते हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, अभी वन थी, अब इंक्रीमेंट होके टू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे दो प्रोसेस ऑफ लूप के एंड हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड टाइम के लिए लूप चल रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हमारे पास कितना हो गया है यहाँ पे, टू, ठीक है, टू हो गया है। तो अब फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनिशियलाइजेशन हमारा चेंज होता जा रहा है, कंडीशन हमें फिर से चेक होगी, तो कंडीशन जैसे यहाँ पे जीरो के साथ, फिर वन के साथ, अब टू के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज लेस देन फाइव, तो आई की वैल्यू कितनी है, टू, तो ये हो गया टू इज लेस देन फाइव। कंडीशन चेक किया, दो भी फाइव से छोटा है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी कंडीशन ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट को रीड करेगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैसेज देगा इंटर द नंबर। अभी नंबर यहाँ पे टू आया था इंक्रीमेंट होके जे के, उसी की तरह ये भी इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, नंबर थ्री, और ये इक्वल, और यहाँ पे अरे हम देंगे अरे ऑफ आई। अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, टू,
तो यहाँ पे टू इंडेक्स पे एक वैल्यू हम इनपुट कर देते हैं यहाँ पे 30, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही स्टेटमेंट एंड होते हैं, हमने बताया यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो के कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो के अब यहाँ 2 की अपेक्षा कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये चलेगा 4 टाइम के लूप। इनिशियलाइजेशन हमारा इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ पे सीधे कंडीशन की चेक करने की बारी आती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है ही। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, आई इज लेस देन 5, मतलब आई की वैल्यू के साथ यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमने बताया स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा। स्टेटमेंट हमारा क्या है, इंटर द नंबर। तो सेम चलिए देखते हैं, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर 4 इज इक्वल टू, अब वही एरे के साथ। अब यहाँ पे 2 की जगह एरे ऑफ 3, और ये हो गया यहाँ पे क्या, इक्वल यहाँ पे हमने 40 इनपुट किया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि एरे के अंदर ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये आई की वैल्यू है, ठीक है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। हमने 40 इनपुट किया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 3 थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से यही प्रोसेस अप्लाई होगा। आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, अभी 3 थी, 3 से 4 हो गई। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो गई, वैसे ही अब ये लूप 5वीं बार चलेगा, ठीक है। इस बात का हम ध्यान देंगे, 5वीं बार लूप चल रहा है अब, ठीक है। कैसे इस चीज से चीज़ें बिल्कुल करेक्ट चल रही हैं, इसको हम ध्यान देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 4, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आया, कंडीशन चेक करेगा लूप में, आई इज लेस देन 5। क्या है यहाँ पे, आई इज लेस देन 5, मतलब आई की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 5। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या होता है, 5 से छोटा होता है। 4 क्या होता है, 5 से छोटा। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसको छोटा ही बता रहा है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटर द नंबर और आजे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ 4 से 5 हो जाएगी, और इज इक्वल टू इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पे हम फिर से बताते हैं कि ये समझाने के लिए हमने एरे ऑफ इंडेक्स लिख रखा है, ये प्रोग्राम में हमारे कहीं भी विजुअलाइज नहीं होगा, ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 50 क्या किया, इनपुट किया। इनपुट करने के बाद जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। इंक्रीमेंट होके अभी तक हमारे पास कितना था, आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, लास्ट टाइम 4 था। अब ये इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 5 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ 5 हो गई, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई, ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा। 6 बार के लिए जैसे ही ये लूप हमारा चलना स्टार्ट करेगा, तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 हमारे पास है, और कंडीशन बन रही है आई इज लेस देन 5, ठीक है। इस बात का हम ध्यान देंगे, तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। अब यहाँ पे 5 इज लेस देन 5, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन को कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या, 5 इज लेस देन 5, ये बता रहा है कि 5 5 से छोटा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 5 से छोटा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहीं पे इक्वल दिया होता तो कंडीशन ट्रू होती, यहाँ पे इक्वल कंडीशन नहीं दिया है, इसीलिए कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होते ही उस कंडीशन को तुरंत ही ये लूप हमारा टर्मिनेट करके आउट ऑफ लूप आ जाएगा, ठीक है, बाहर कर देगा इस लूप से। और ये पूरा प्रोसेस हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइम तक ये प्रोसेस कर चुका है। इस प्रोसेस को समझने के लिए इसके नंबर ऑफ स्टेप को जैसे जैसे कंडीशन बताया गया है, इसको आप फॉलो करेंगे, अच्छे से सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद, ये तो अभी हुआ है इनपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस हो गया हमारा जिसमें हम वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ये इनपुट लिया, इन्हीं इनपुट वैल्यू को हमारा ये लूप प्रिंट कैसे कर रहे हैं,
ये भी हमें समझना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रिंटिंग में भी दे रखा है, तो हम इधर थोड़ा सा अरेंज नहीं करना चाहते। इस तरह आप चीज़ें समझ चुके हैं, तो हम इधर ही अरेंज करके हम क्या कहते हैं इसके आउटपुट के लिए बताते हैं। ठीक है, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, नियर अबाउट ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, सिर्फ रह गया आउटपुट के लिए, तो आउटपुट की कंडीशन हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ें भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होंगी, सेम यही प्रोसेस है जिस तरह आपने इनपुट किया, और यहाँ पे वही कंडीशन, वही लूप, वही प्रोसेस है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, जो हम वैल्यू अभी अभी इनपुट किए हैं, हमें ध्यान देना है कि हमने वैल्यू इनपुट क्या किया है, उसको आप लोग कहीं राइट कर लीजिए या दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इंटरनल प्रोसेस। अब यहाँ पे हम यहाँ आउटपुट के लिए लूप चलाते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस वही, यहाँ पे चला लूप। ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप चला, आई की वैल्यू हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है 0। ऑलरेडी यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जे हमने जो इनिशियलाइज किया, क्योंकि इसमें इसका भी उपयोग है, तो जैसे यहाँ आते हैं तो हम जे को भी यहीं दिखा देते हैं, जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ दे रखा है आई इज लेस देन 5। ऑलरेडी पहले ही हमने बता रखा है आपको कि कंडीशन किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, यहाँ आई के अकॉर्डिंग चलेगा, आई की वैल्यू 0, 5। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद तुरंत स्टेटमेंट में आएगा पर्सन साइन डी है, फर्स्ट पर्सन साइन डी को यहाँ पे जे प्लस आई रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जे प्लस आई करेगा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो गया जे प्लस आई। उसके बाद यहाँ पे नंबर है, ठीक है, हमने ये मैसेज दे रखा है, नंबर इज, और ये इक्वल साइन है, ये इक्वल। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जे प्लस आई, मतलब जे की वैल्यू 1 है और आई के साथ ये ऐड होके इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो इसी के साथ यहाँ पे हमें 1 मिला, मतलब ये बता रहा है 1 नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर को ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज पर्सन साइन डी एरे की वैल्यू। तो एरे की वैल्यू यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम जैसे ही ये चल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही एरे को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एरे ऑफ आई। तो यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि एरे की वैल्यू हमारे सॉरी आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये एरे ऑफ 0 को इंडिक्स कर रहा है, सॉरी डिनोट कर रहा है, तो 0 इंडेक्स पे हमने क्या वैल्यू इनपुट कर रखी थी यहाँ पे, 10। ठीक है, 10 हमने यहाँ दे रखा था, तो वही 10 वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट कर दिया, आगे बढ़ा, तुरंत ये आई की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 0 से 1 हो गई, लूप चला दूसरी बार, फिर उसके बाद वही कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो फिर से वही स्टेटमेंट, अब वही चीज़ें आई के साथ ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, जे हमारा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये प्रिंट करेगा 2, नंबर इज इक्वल। अब यहाँ पे इंडेक्स देखिए क्या है, 1 इंडेक्स हुआ ना आई का, तो 1 इंडेक्स पे हमने कितना यहाँ पुट किया था, 20 पुट किया था, तो यहाँ पे ये 20 क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कितना कर दिया, 2 कर दिया। 2 होने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे तीसरी बार ये सॉरी हाँ तीसरी बार लूप चलेगा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, और यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला इसमें भी बता रखे हैं इनपुट में, अब डायरेक्ट वैल्यू रख के बता रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा, 2 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे 2 इज लेस देन 5 हमने कर दिया, तो ये क्या हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हुई, तुरंत स्टेटमेंट में आएगा, और स्टेटमेंट में ये प्रिंट ऑफ फंक्शन को रीड करते हुए पर्सन साइन जी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके ये 3 हो जाएगा, और मैसेज दे देगा यहाँ पे 3 नंबर इज
इज इक्वल टू यहाँ 3 इंडेक्स कर देते हैं, यहाँ 2 इंडेक्स पे हमने कितना वैल्यू इनपुट किया था 30, ये क्या किया यहाँ पे 30 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर से, जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट कर जाएगा, 2 से 3 हो गया, और चौथी बार लूप चलेगा, कंडीशन चेक करेगा ये 3 इज लेस देन 5 और कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो तुरंत ये स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर इज, और इंडेक्स अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हमने यहाँ इनपुट किया उसी को ये क्या करेगा वहाँ से गेटअप करेगा और यहाँ पे 40 को प्रिंट कर दिया, और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा इंक्रीमेंट कर दिया, आई वैल्यू कितनी थी 3 से कितनी हो गई 4 हो गई। अभी हमारा लूप कितनी बार चलेगा, ये 5वीं बार के लिए चलेगा, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, 4 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, कंडीशन जैसे ही 2 होगी स्टेटमेंट रिपीट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा 5 नंबर इज, जो भी नंबर हम यहाँ पे चौथे इंडेक्स पे पुट किए थे, चौथे इंडेक्स पे हमने 50 दिया था, ये 50 को यहाँ पे क्या किया प्रिंट किया, इस तरह प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ेगा, तुरंत आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया 5 कर दिया, 5 करने के बाद जैसे ही 6 टाइम के लिए लूप चलेगा तो यहाँ पे 5 इज लेस देन 5 क्या करेगा ये कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 ऑलरेडी हमने ये दोनों चीज़ें बता चुके हैं, 5 और 5 दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ 5 को छोटा बताया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो रही है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये कंप्लीट आउटपुट को हमारे सामने दिखा के आउटपुट दिखा देगा, और गेट सीएस फंक्शन हमने यहाँ पे लास्ट में यूज किया जो इस आउटपुट को हमारे स्क्रीन पे रोक के रखेगा और हम इस आउटपुट को देख सकते हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम हो गए, इस प्रोग्राम के जितने भी नंबर ऑफ टास्क लूप के अकॉर्डिंग थे सारी चीज़ें हमने इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए हमने बता रखा, अगर आप इसको क्लियर करेंगे इस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आगे जो भी प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को जो भी स्टेप मिलेंगे सब इसी तरह से होंगे जो अच्छी तरह समझ में आएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।